बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी समंदास महाराज की जय। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हर साल की भांति ये महिला मंडल दिल्ली में गुरु महाराज की याद में सत्संग कराती हैं। वे संदेश पूरे भारतवर्ष को और विदेशों में भी जाता है। ये बहुत खुशी की बात है। नारी शक्ति भी जाग रही है और गुरु महाराज के चरणों में अपने नाम को जोड़ रही है। सतनाम सत साहेब। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और जीने बंधन मन के कटे नाम प्रताप। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जो जीने बंधन है वे इस जीव को दिखाई नहीं देते। जिसके पास गुरु महाराज का नाम आ जाता है उसको भी दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने का कारण क्या है? जितने भी शब्द हैं, जितने महात्मा गण हैं, जो उनके मुख से संतों की वाणी आती है, वे सारी हमारी कमी हमें बताते हैं। जो उस कमी को पकड़ लेता है और उस पर चलने लगता है तो सदगुरु के गुड रहस्य को समझ जाता है। हमारे अंदर कोई कमी बता रहा है, हम दूसरे के अंदर 20 बता रहे हैं, वो काल का बंदा है। गुरु का बंदा कौन सा है? कमी सबके अंदर है। जो गुरु के प्यारे होते हैं वे शब्द को सुनकर गुरु को सजदा करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव अगर आपका आशीर्वाद हो जाए, आपकी दया मेहर हो जाए, कुछ कोशिश मैं करूं आपका आशीर्वाद हो जाए तो ये कमी मेरी निकल जाएगी। तो वो गुरु का प्यारा है। फिर कहते हैं, शब्द शब्द बहुवांतरा, सार शब्द चित ले, जा शब्दे साहिब मिले, सोई शब्द गही ले। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, संतों ने अनेकों शब्द बताए लेकिन दो शब्द को ले आए नजदीक करके कि दो शब्द से इस जीव का कल्याण हो जाएगा और इसकी समझ में भी आ जाएंगे। ज्ञान का अनंत प्रकार के हैं। कहते हैं जो शब्द हमें सदगुरु की तरफ। हेलो, ए बैठ जाओ थोड़ी देर, ना तुम सुनने की ना किसी को सुनने देने की। जो शब्द हमें काल की तरफ ले जा रहा है, शब्द जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, जितने भी कल पुर्जे हैं, ये शब्द शब्द हो रहा है, इसके बीच में सदगुरु समाया हुआ है। उस शब्द को जो गुरुमुख के जो गुरुमुखी हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उस शब्द को वे समझते हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी सार संगत, एक शब्द काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में गुजरता है, वो हमारे को काल की तरफ जोड़ रहा है। एक शब्द शील संतोष क्षमा दया धीरज विचार, वो हमें सदगुरु की तरफ ले जा रहा है। तो ये परख हमें होनी चाहिए कि कौन सा शब्द सदगुरु का है और कौन सा शब्द काल का है। तो सार शब्द सदगुरु के घर का जानत बिरला परख है जो, और जो काल का जो शब्द है वो हमें काल के घर में ले जाएगा। और वो शब्द प्रॉब्लम क्या है? सदियों से हम शब्द के आदि नहीं रहे। हमने पकड़ रखा 5 तत्वों को या रंग को। 7 रंग होते हैं, फिर इनसे मिलकर अनेकों रंग बनते हैं। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जिस दिन इस संसार के अंदर सदगुरु भी आए 5 तत्वों के चोले में प्रकट हुए, तो वे कपड़ा पहनकर नहीं आए थे। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सभी संसार में पहना, तो शब्द का कोई रंग रूप नहीं है, ना उसका कोई शरीर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमने उसको या तो सफेद कपड़ा मान लिया है या लाल कपड़ा मान लिया है। लाल कपड़े को जिसने मान लिया उसका गुरु आएगा 6 महीने के बाद,
और जिसने सफेद को गुरु मान लिया उसका गुरु आओगा एक साल बाद, तो कॉपी पेंसिल सब खाली पड़ी। और जो गुरु का शब्द है वो एक बच्चे के अंदर भी आ सकता है, एक लेडीज के अंदर भी आ सकता है। वो सार शब्द है जो हमारी कमियां बता रहा है। सावर सार शब्द की पहचान है कि वो हमारी कमी बताएगा। जहां भी वो हमारी कमी बताए तो वहीं सजदा कर लेना। तो वो सतगुरु स्वामी समदास महाराज का शब्द है, कहते हैं धन धन प्यारे क्या कहूं महिमा शब्द की, जो परिचय हैं शब्द से जो परिचित हैं वही तो उसको जानेगा। जो परिचय हैं शब्द से जाने महिमा शब्द की, छिन छिन रक्षा हो रही क्या उपमा करूं शब्द की, बड़ भागी वो जीव हैं जो करें कमाई शब्द की। तो गुरु महाराज की प्यारी सार संगत, तो जो गुरु का शब्द है वही सतगुरु इस संसार में लखाने के लिए आते हैं। नाम लखावन आए सतगुरु, नाम लखावन आए जी, नाम लखावन आए, नाम लखाव आए सतगुरु, नाम लखावन आए जी, नाम लखाव संगत। काम क्रोध मदमान ईर्षा, ईर्षा जो शब्द है इस जीव का वो बहुत नुकसान कर रहा है। अगर कोई कार ले आए और घर घर में मिठाई बांटने के लिए जाए तो उससे पूछेगा कि भाई ये मिठाई कैसे बांट रहा है,
तो वो कहेगा भाई आपके आशीर्वाद से आपके सहयोग से ये कारली एस की मिठाई बांट रहा हूं। जब तक वो उसकी तरफ मुंह है तब तक तो कुछ कहा नहीं। और जी वो दूसरे घर में जाने लगा इसका एक्सीडेंट हो जा इसकी टांग टूट जा। गुरु महाराज की प्यारी सार संगत ये ज्ञान ले रहे हैं ये अंधकार है अज्ञानता है। सपोज करो किसी मोड़ पर आपको सवारी नहीं मिल रही अगर वो भाई आ गया तो आपका सफर तय हो सकता है। तो सदगुरु आपको अच्छी सोच देने के लिए आए हैं अच्छा ज्ञान देने के लिए आए हैं आपको जगाने के लिए आए गए हैं। सतगुर समन दास जी हैं कोई और नहीं। सतगुर समन दास जी हैं कोई और नहीं। ओरे ओरे नहीं रे कोई और नहीं। सतगुर समन दास जी हैं कोई और नहीं। हजार नहीं अगर ये इंसान 10,000 देवताओं की भक्ति एक दिन में करे तो इस पर जो है पूरा नहीं पट सकता और नन्हे देवता रुस्से रहेंगे। तो गुरु ने एक की पूजा बताई। एक साध है सभी सद हैं एक साध है सभी सद हैं सब साध हैं एक जाए कहे कबीर एक कोई साधो सभी सिद्ध हो जाए। ए नाम लखावन आए सतगुर नाम लखावन आए जी नाम लखावन आए नाम लखावन आए सतगुर नाम लखावन आए जी नाम लखावन आए।
जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। सदगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। धन्यवाद। सतनाम।